हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बीच छिड़ी जुबानी जंग और तेज हो गई है। कंगना ने विक्रमादित्य को झूठा और पलटूबाज कहा है। साथ ही भाजपा प्रत्याशी कंगना ने कहा कि एक पप्पू दिल्ली में है तो एक पप्पू हिमाचल में। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को खुली चुनौती दी कि जैसा कि वो कह रहे हैं कि मैंने गौ मांस खाया है और इसका वीडियो है, विक्रमादित्य वह वीडियो जनता के सामने सार्वजनिक करें और फोटो बताएं। क्या बोली कंगना, सुनिए। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ में भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहाँ देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है, जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देव भूमि आदमी आगे पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूं। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। उसकी क्यों चलती है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं? आज मैं ये सब पप्पुओं को जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेजोगे। उधर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भगवान राम उन्हें जल्द सद्बुद्धि दें। वो क्या खाती हैं और मुंबई में क्या पीती हैं, हिमाचल की जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है, न ही ये हिमाचल के मुद्दे हैं। खाने पीने की बजाय कंगना मुद्दों पर बात करें तो बेहतर रहेगा। क्या बोले विक्रमादित्य, देखें। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती, आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? हम आपदा के समय में, चाहे आपका आलू ग्राउंड है वहां पे उपस्थित रहे, पतली कुल का ब्रिज हमारी सरकार द्वारा रिकॉर्ड जो है 48 घंटे में उसको हमने मौके पर जाकर, ग्राउंड जीरो पे जाके उसको रिस्टोर करवाया। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं, ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर दी कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।